20वीं शताब्दी के सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ ऐसे थ्योरीज हमारे सामने पेश किया कि उसने हमारे फिजिक्स के नजरिए को ही बदल दिया, जैसे कि टाइम डायलेशन, टाइम ट्रेवल, स्पेस टाइम, स्पेशल एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इत्यादि। पर इन सब के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसे पैराडॉक्सेस भी हमें दी जो कि उनके नजरिए में होना संभव नहीं था, जैसे क्वांटम इंटेंगलमेंट, टाइम ट्रेवल, टैकायोनिक एंटीटेलीफोन इत्यादि। आज हम इसी टैकायोनिक एंटीटेलीफोन पैराडॉक्स के बारे में जानेंगे। यह एक काल्पनिक टेलीफोन है जिसमें कि हम यह मानते हैं इससे जो भी सिग्नल्स निकलेंगे वह रोशनी की रफ्तार से यात्रा करेंगे। इसे आज हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और एग्जाम्पल्स से जानने की कोशिश करेंगे कि यह संभव क्यों नहीं हो सकता। तो इसे पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरीज में जो सबसे बड़ा और कंसेप्ट निकल करके आया वह है टैकियंस का। अब तक इसे हमारे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में जगह नहीं मिली है, क्योंकि वास्तव में इनके होने का अब तक हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। इसमें बहुत ही कम संभावना है कि ये प्रकृति इन्हें रहने की अनुमति देती है, लेकिन अगर ये अस्तित्व में है तो वे कुछ अजीब विशेषताओं को दिखाते होंगे। इनकी रफ्तार लाइट के स्पीड से भी ज्यादा है। हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में सबसे तेज गति लाइट की ही होती है, जिसे कि कोई भी पार नहीं कर सकता। मगर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह सिर्फ नॉर्मल मैटर पर ही लागू होता है। जैसे कि अगर आप किसी रॉकेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसे ऊर्जा देनी होगी। इसे और आगे बढ़ाने के लिए आपको और ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, मगर इसे लाइट के स्पीड तक पहुंचाने के लिए आपको अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लेकिन आपके पास अनंत ऊर्जा कभी नहीं हो सकती। वहीं टैकियंस इससे बिल्कुल विपरीत है। यह कम ऊर्जा में ज्यादा रफ्तार से यात्रा करता है। अगर आप इसे ऊर्जा देते हो तो यह अपने स्पीड को घटाएगा, और इसे अगर आप लाइट के स्पीड से यात्रा कराना चाहते हैं तो आपको अनंत ऊर्जा लगेगी। हमारे पास टैकियंस को ढूंढे जाने की कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, तो टैकियंस पर विश्वास किया जाना फिलहाल तो मुश्किल है। 1910 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और आर्नल्ड सोमरफील्ड ने एक थ्योरी दी कि क्या हम लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसका मतलब यह था कि क्या हम अपने बीते हुए कल में मैसेज भेज सकते हैं। इसे हम कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि दो स्पेसशिप ए और बी लाइट के स्पीड से एक जगह से दूसरे जगह यात्रा कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड 0.8c है, जहां c लाइट के स्पीड को बताता है। किसी एक वक्त पर ये दोनों स्पेसशिप एक दूसरे को पार करते हैं। इस वक्त को स्पेसशिप ए में बैठे इंसान ने x = 0 और t = 0 से डिनोट किया, जिसका मतलब यह है कि स्पेसशिप ए की दूरी स्पेसशिप बी से इस वक्त में 0 है। और वही स्पेसशिप बी में बैठे इंसान ने भी ऐसा ही किया, और उसने x = 0 और t = 0 से डिनोट किया। इसे आगे समझने से पहले आप एक लाइव एग्जांपल को कंसीडर करें कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और आप ट्रेन से बाहर देख रहे हैं, तो बाहर की जितनी भी चीजें आपसे स्लो हैं, वो आपको लगेंगे कि वह आपसे पीछे की ओर जा रही हैं, जिसे हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मानते हैं। और अगर कोई ट्रेन आपके सामने से दुगनी रफ्तार से आपसे आगे की ओर निकलता है तो आपको लगेगा कि वह आपसे आगे की ओर जा रहा है, जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा। और वही आप खुद को अगर देखें तो आप अभी भी अपने फ्रेम में रेस्ट में ही रहेंगे। तो इसी चीज को हम इस एग्जांपल में कंसीडर करने वाले हैं। अब अगर हम स्पेसशिप ए के फ्रेम में देखें तो वह अभी रेस्ट में है, लेकिन स्पेसशिप बी 0.8c के रफ्तार से यात्रा कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और यही चीज अगर हम स्पेसशिप बी के फ्रेम में देखें
तो वह अभी रेस्ट में है, लेकिन स्पेसशिप ए 0.8 सी के स्पीड से यात्रा कर रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अब इन दोनों के पास एक टैक्यॉन ट्रांसमीटर है। इस टैक्यॉन ट्रांसमीटर से निकलने वाली सिग्नल्स का स्पीड 2.4 सी है और यह स्पीड उस स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में होगा जिस स्पेसशिप से यह सिग्नल निकल रही है। यहाँ आप यह ध्यान में रखें कि हम जिस फ्रेम को कंसीडर करेंगे वह अपने फ्रेम में रेस्ट में होगा। तो हम लोग अब ए के फ्रेम को लेते हैं। जब बी ए को पार किए हुए 300 दिन बीत जाते हैं तब ए उसे एक सिग्नल सेंड करता है यह कहते हुए कि मैंने कुछ खराब खा लिया। जब 450 दिन ए के फ्रेम में बीतता है तो वह कैलकुलेट करता है कि सिग्नल अभी 2.4 सी के रफ्तार से 150 दिन तक यात्रा अभी भी कर रहा है। तो इस सिग्नल का पोजीशन स्पेसशिप ए से 360 लाइट डेज है और बी ए को पार किए हुए 450 दिन बीत चुके हैं जिसकी रफ्तार अभी 0.8 सी है। तो अभी भी बी ए से 360 लाइट डेज की दूरी जिसका पर मतलब है। यह वो दूरी है जब स्पेसशिप बी को स्पेसशिप ए से सेंड किया गया मैसेज मिलेगा। अब अगर हम इस चीज को स्पेसशिप बी के रेस्पेक्ट में देखें तो स्पेसशिप ए अभी भी बी से 360 लाइट डेज की दूरी पर है और 450 दिन बीत चुके हैं जब उन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया था। मगर हम जानते हैं कि अगर किसी चीज की रफ्तार लाइट की स्पीड से ज्यादा हो तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है जिसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। तो हम फ्रेम बी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे कि यह कितने फैक्टर्स से कम हुआ, फिर उसे एक्चुअल टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस फैक्टर को हम लोग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की एक फॉर्मूला के आधार पर निकालेंगे। आप अगर इस फॉर्मूला में सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो 0.6 इसका फैक्टर निकलेगा और इसे 450 दिन के साथ गुणा करने से वह समय निकलेगा जितना स्पेसशिप बी ने बिताया है स्पेसशिप ए को क्रॉस करने के बाद, मतलब कि 270 दिन ही सिर्फ बीते हैं स्पेसशिप बी में। तो यहाँ आप एक चीज देख सकते हैं कि स्पेसशिप ए ने स्पेसशिप बी को तब सिग्नल भेजा था जब 300 दिन बीत चुके थे, पर स्पेसशिप बी को यह सिग्नल तब मिला जब सिर्फ 270 दिन ही बीते हैं। अब स्पेसशिप बी ए को अपना जवाब भेजता है। तो हम लोग अब बी के फ्रेम को लेते हैं। जब ए बी को पार किए हुए 270 दिन बीत जाते हैं तब बी उसे एक सिग्नल भेजता है यह कहते हुए कि वह खाना मत खाओ। जब 405 दिन ए की फ्रेम में बीतता है तो वह कैलकुलेट करता है कि सिग्नल अभी भी 2.4 सी के रफ्तार से 135 दिन तक यात्रा कर रहा है। तो इस सिग्नल का पोजीशन स्पेसशिप बी से नेगेटिव 324 लाइट डेज है। यह नेगेटिव उसके डायरेक्शन को बताता है कि स्पेसशिप ए स्पेसशिप बी से उल्टे डायरेक्शन की ओर जा रहा है और ए बी को पार किए हुए 405 दिन बीत चुके हैं जिसकी रफ्तार अभी 0.8 सी है। तो अभी ए बी से नेगेटिव 324 लाइट डेज की दूरी पर है जिसका मतलब यह वो दूरी है जब स्पेसशिप ए को स्पेसशिप बी से सेंड किया गया मैसेज मिलेगा। अब अगर हम इस चीज को स्पेसशिप ए के रेस्पेक्ट में देखें तो स्पेसशिप बी अभी भी नेगेटिव 324 लाइट डेज की दूरी पर है और 405 दिन बीत चुके हैं जब उन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया था। मगर टाइम डायलेशन के कारण स्पेसशिप ए ने बी को क्रॉस करने के बाद 243 दिन ही सिर्फ बिताए हैं जिसका मतलब स्पेसशिप ए को बी द्वारा भेजा गया मैसेज 243 दिन के बाद मिलता है जब उन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया था। मगर स्पेसशिप ए ने तो सिग्नल 300 दिन के बाद भेजा था जिसका यह अर्थ निकलता है कि स्पेसशिप बी ए को उसके फ्यूचर के बारे में सावधान कर रहा है। तो इस एग्जाम्पल में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर हम लाइट से भी ज्यादा रफ्तार से सिग्नल भेजते हैं तो हम अपने बीते हुए कल को हमारे आने वाले फ्यूचर के बारे में सावधान कर सकते हैं। लेकिन यह स्वाभाविक है कि अगर ए को पहले ही जवाब मिल गया था तो वह बाद में प्रश्न क्यों भेजेगा। इस बात से यह एक पैराडॉक्स की शक्ल ले लेता है। वैसे तो फिलहाल इस तरीके की टेलीफोन बनाना संभव नहीं है, लेकिन अगर हमें भविष्य में टैक्यॉन पार्टिकल मिल जाते हैं
तो मुझे उम्मीद है कि हम इस तरीके की टेलीफोन जरूर बना लेंगे। मगर आप कहेंगे कि यह तो एक पैराडॉक्स है, यह संभव नहीं हो सकता। लेकिन मध्य 1980 में रशियन फिजिसिस्ट आइगर दमित्रेविच नोविकोव द्वारा इन टाइम ट्रेवल पैराडॉक्सिस पर एक विश्वसनीय थ्योरी दी गई है, जिसे हम अपने आने वाले वीडियोस में आप तक पहुंचाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आपको साइंस से किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।